वेलकम बैक गाइज इन माई यूट्यूब चैनल। तो ये है डेली व्लॉगिंग का पार्ट फोर, डे फोर। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त के लिए। इसके अंदर है ब्रेकफास्ट, एक्चुअली वो कल ही आया और उसके पास गैस स्टोव वगैरह कुछ भी नहीं है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो। ऑलराइट गाइस, तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी मेरी दोस्त दीक्षा का कॉल आया है, वो कह रही है कि जल्दी आ जाओ, तो आपको आज उससे भी मिलवाते हैं। फर्स्ट व्लॉग में नहीं मिलवा पाए थे, चलिए चलते हैं। हो तो जिंदा हो, जोगी नचले रंग रच दे। ऑलराइट गाइस, तो अपना पार्सल ले लिया है, अभी चलते हैं कैंपस के अंदर। वहाँ दीक्षा भी वेट कर रही है, उसका 3 बार कॉल आ गया कि भाई तू कहाँ पे है, आजा जल्दी आजा। तो अभी वहाँ चलते हैं। कैसे हो भाई जी, आपको ब्लॉक के अंदर ले लिया गया है, कैसे हो? ये हाथ मिलाने का क्या स्टाइल है? तो दोस्तों देख सकते हो ये है दीक्षा। तो लोगों ने हवा ही बना रखा था कि भाई दीक्षा है कौन, दिखाओ भाई। पहले पार्ट में दिखाया, आगे दिखाया ही नहीं। पहले पार्ट में नाम लिया उस बंदी का कि है भाई, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। ये कुछ हरकत करती हुई, प्लीज डोंट अनबॉक्स इट, मैं घर जाके करूंगा इसको अनबॉक्स, प्लीज आई डोंट। क्यों करना है अनबॉक्स, है कुछ पर्सनल। अब सब पर्सनल चीजें तुम ऐसे डिस्क्लोज कर रही हो तो तुम्हें कुछ वो तो आ नहीं रही होगी शर्म, है ना? ओ ये कुछ प्रेम पत्र, इसको बाद में पढ़ेंगे। क्या मजा आता है। थैंक यू। दीक्षा ने पूरा पैकेट मुझे दे दिया है, कहती मैं नहीं पीऊंगी। पी लेना, बड़ा मीठा है यार। शुगर से तुझे परहेज है, चॉकलेट का तो कोई परहेज नहीं है। चॉकलेट लाइफ है लाइफ। चलिए चलिए चलिए। तो दीक्षा खत्री का अपनी सहेलियों के साथ मेल मिलाप हो चुका है, इसने कम से कम आधा घंटा लगा दिया होगा। परसों हम गए थे कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ लाइब्रेरी। तो दोस्तों लाल छतरी में दो लोंडे जाते हुए, विदाउट शुगर। देखो दीक्षा, इधर ला, इसका वेट देख चार्जर का कितना है एक बार। ठीक है चले चलो। क्या यही, अगर मैं गिर जाता तो छोटी सी चोट नहीं आती मेरे छोटे बहुत बड़ी आती है। कटप्पा जी सुनिए, अपना छाता लीजिएगा। तो बारिश देख सकते हो जी। सिद्धार्थ जी इधर, कैच कैच। डिप्रेशन में है ना, लड़की का चक्कर ना एक्स का चक्कर। तो दोस्तों अभी होने वाली है क्लास स्टार्ट, खाली रूम। तो ये पार्ट टाइम में ये काम करती है, मतलब इसको चेयर्स वगैरह ना ऐसे लगाने के लिए बोला जाता है। कोई इसमें है कुछ पेड़ है या कैसे है ये? मंथली सैलरी 5000 रुपया। सही है, पार्ट टाइम करना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस आए हैं, कमल भाई का कुछ काम करवाना था। हेलो कमल भाई।
तो गाइज अभी हो चुके हैं 4:05 और जो कमल भाई है ऊपर गए हैं, वो भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में आएंगे, फिर हम बस में बैठ के जाएंगे। मेरे शूज, मैं और मेरी जिंदगी सब भीग गए हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी कमल भाई के रूम पे आ गए हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी तो देख सकते हो कि मैं भीग गया, और कमल भाई ने मुझे अपने कपड़े दिए पहनने को। नीचे का देख सकते हो ये अलग है, क्या बोलते हैं भाई इसको, कैपरी, कैपरी। तो ये कैपरी निकर जो भी दिया है उन्होंने, ये तो ऊपर शर्ट है। तो मुझे लगता है कि मुझे ना फैशन डिजाइनर बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरी फैशन सेंस मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, क्या बोलते हो गाइस। तो अभी कमल भाई बना रहे हैं हमारे लिए चाय। कितना टाइम लगेगा भाई जी? 15 मिनट्स चाय में। तो फर्स्ट टाइम कमल भाई ने दाल बनाई हमारे लिए, टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर टमाटर तड़का भी लगा दिया। ओके ऐसा लगा, ये हमारे खुले खुले चावल भाई। खुले खुले? खुले 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 नहीं समझा मैं, दाने दाने अलग अलग। अच्छा, ऑलराइट। तो मुझे एक पैंट मिल चुकी है पहनने को, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। टाइम हो रहा है 7:15। एक्चुअली हमें गैस स्टोव, एक गैस सिलेंडर लेके आना है, तो यहाँ से सिर्फ 1/2 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है। चलिए चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। हेलो गाइस, इस वक्त ठंड हो रही है और बहुत ज्यादा, और ये सिंगल पहनी है सिंगल। हेलो गाइस, मेरा नाम कमल है और इस वक्त मैं सोलन अपने रूम पे कॉलेज आया हुआ हूँ। okay. इस वक्त यहाँ काफी ठंड है और मुझे भाप भी निकल रही है, तो आई थिंक आपको इस वक्त दिखाई नहीं देगा ज्यादा। शुक्र है वो तो कि भाप ही निकल। तो दोस्तों, सीन अभी ये है कि हम दोनों के जूते हो चुके हैं गीले, कल हमें जाना है कैंपस कॉलेज, और जूते गीले है तो कैसे जाएं। ऑलराइट, तो रूम वापस आ चुके हैं क्योंकि गैस स्टोव वाली दुकान क्या थी, बंद थी। भाई के हाथ ठंडे हो गए, भाई शॉर्ट्स में गए, इतनी ठंड पड़ रही है बाहर। तो अभी यहाँ का टेम्परेचर निकालते हुए तो दोस्तों देख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस, और भाई शॉर्ट्स में गया है अपना। ऑलराइट, तो गाइज अभी बच चुके हैं 9, और आज के दिन के करने के लिए तो कुछ स्पेशल बचा नहीं है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं एक ऐसे और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई को इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन DM कर रहा है। तो अभी ना कहाँ तक बात पहुंची है, जॉब तक बात पहुंच चुकी है। लड़का लड़की का नाम बताओ, लड़का हुआ मोनू, लड़की हुई सोनू।